तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो। बेसिकली अगर इसमें तुम देखोगे तो क्या कहा जा रहा है इस प्रॉब्लम में, कि एक बॉल ए है प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी 700 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन 37 डिग्री एबव द हॉरिजेंटल, इन ए डायरेक्शन 37 एबव द हॉरिजेंटल, ठीक ना। अब हॉरिजेंटल से 37 डिग्री पर प्रोजेक्ट तो कर दिए हो, तो एनदर बॉल बी जो कि 300 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन 37 हॉरिजेंटल रेडीज एट द इंस्टेंट ए स्टार्ट, हाउ फार विल बॉल फॉल एन वेन इट हिट बाय द ग्राउंड। देखो यहाँ बी पॉइंट से ये वाली जो लाइन है, अगर तुम डायग्राम बनाओगे इसका, तो ये वाली जो लाइन है यहाँ से, ये लाइन, ये सीधी वाली लाइन, ये 37 वाली लाइन है। तो 37 लाइन पर यहाँ से तुम देखोगे तो एक बॉल यहाँ से, एक बॉल तो जो प्रोजेक्ट किए वो तो ऐसे जाएगी यार, ठीक है ना। और इसी लाइन पे, इस पॉइंट पर, पॉइंट बी पर एक बॉल है, तो ये वाली डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ये कितना कितना नीचे ये फॉल किया है, दैट इज हाइट, इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो ये यहाँ से 300 सेंटीमीटर यहाँ से दे रखा है, दिस लेंथ इज 300 ऑलरेडी गिवेन इन द क्वेश्चन, और ये एंगल 37 है, ठीक है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी पहले तो इसी लाइन में थी, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी थी सबसे पहले इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी ऐसे थी पहले, जो कि यू थी मान लो, तो ये यू कॉस 37 इधर आ जाएगा, यू कॉस 37 इधर आ जाएगा, और ये यू साइन 37 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूँ तो यू कॉस 37 जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगा, कॉस 37, 37 वाला ट्राइंगल सबको याद है। तो अगर 37 वाला ट्राइंगल सबको याद नहीं है, तो ये 37 और ये 3 और ये 4 और ये 5, तो कॉस 37 की जो वैल्यू है इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में जो आ जाएगी वो 700 और मल्टीप्लाइड एक कॉस 37, कॉस 37 मतलब 4/5, मतलब ये आ जाएगा 700 और मल्टीप्लाइड बाई 0.8, तो ये आ जाएगा जो एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी आ जाएगी 560 यहाँ से सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वाली चीज़ आ जाएगी। और अगर वाई वाली चाहिए तो वो भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे बाद में देखेंगे। तो यहाँ से तुम देखो, अब ये वाली जो हाई, यहाँ जो बॉल सीधा गिर रहा है, तो ये अगर इस ट्राइंगल को मैं कंप्लीट कर दूँ, तो ये वाली एंगल 37 है और हाइपोटेन्यूज 300 है, तो ये वाली लेंथ, एक्स वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, एक्स वाली डिस्टेंस आ जाएगी कॉस 37 लगा दो तो 300 कॉस 37 डिग्री, दैट इज एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से जो वाई, वाई वाली जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 300 साइन 37 आ जाएगी। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो 300 कॉस 37, कॉस 37 फिर से वही लगा दो 0.8, कॉस 37 4/5 यहाँ से, तो 8 3 के 24, तो 240 मीटर सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस एक्स पे गया होगा। मतलब ये यहाँ से तुम देख रहे हो ये वाला डिस्टेंस, मतलब इसी लाइन पे कहीं यहाँ पे बॉल ए पॉइंट को हिट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें रेंज पता चल गया, इतने टाइम में हमें इतने मतलब टी टाइम लगा होगा उसको एक्स डिस्टेंस कवर करने में, ये वाला एक्स डिस्टेंस कवर करने में टी टाइम लगा होगा, और उतना ही टाइम में बॉल बी से ए तक आया होगा। तो यहाँ से भी टाइमिंग सेम है, यही वाला टाइम, मतलब रेंज का टाइम और गिरने का टाइम सेम है। तो सबसे पहले मैं एच निकालने के लिए मैं अब टाइम निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं टाइम निकाल लेता हूँ तो टाइम कैसे कैलकुलेट करूँ भाई, तो टाइम तुम देखोगे रेंज के लिए, एक रेंज इज इक्वल टू हॉरिजेंटल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी है भाई, तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी तुम देखोगे तो है यू कॉस थीटा और मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी। तो टाइम टी की जो वैल्यू आ जाएगी आर ओवर यू कॉस थीटा, आर यहाँ पे जो है वो एक्स है, ठीक है ना। एक्स आर मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस, और यू कॉस 37 जो है 560 पहले से निकाले हो, तो ये 240 और डिवाइडेड बाई 560 से डिवाइड करोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3/3, यहाँ से 3/7 सेकेंड आ जाएगा, ठीक ना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इतने सेकेंड में बॉल एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और इतने सेकेंड में वो नीचे भी आया है यार, तो इतने सेकेंड में अगर नीचे आया तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से बी से चला था
और वो वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ आया, तो ये वाली हाइट तो ही पूछा जा रहा है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देता हूँ वाई एक्सिस में फॉर बॉल बी जो सीधा गिराया गया है, तो ड्रॉप हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सलेशन माइनस हाइट ए, और जी की वैल्यू यहाँ मैं ले लेता हूँ 10 ले लेता हूँ टाइम टी का स्क्वायर मतलब 9/49। तो यहाँ से जो हाइट आ जाएगा वो 91.8 मीटर अप्रॉक्सीमेटली जो है वो एच की वैल्यू मतलब 90 यहाँ से सेंटीमीटर आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर है, कैलकुलेट कर लेना 90 के आसपास ये आ जाएगा। तो फाइनली जो है वो हमारा सोल्यूशन जो है वो 90 सेंटीमीटर ये वाली जो चीज़ है वो सही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।